जैसे कि देख सकते हैं BS6 बाइक है, TVS XL100, इसका इंडिकेटर जल रहा है, देख सकते हैं गाइस। देखो ये अभी वो साइड में जाने वाला हूँ, देख सकते हैं, मतलब इसमें सिंगल सिंगल इंडिकेटर चल रहे हैं। अब इसको कस्टमर ने बोला भाई कि इसको 4 इंडिकेटर बना करके देखो, दे दो मेरे को। तो मैंने क्या किया, इस प्रकार से एक सूज लिया। अब इसमें कौन सा वायर में कनेक्शन करने का उसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। आपको पहले खोल के बताने वाला हूँ, देख सकते हैं हमने इसमें 2 स्क्रू बोले, इसी को खोल करके लेने वाला हूँ। अब ये खोलने के बाद कौन सा वायर में आपको लगाना पड़ेगा, ये 4 इंडिकेटर चालू हो जाएगा। अब आपको ये सिंगल करके भी आप जला सकते हैं, कैसे भी आपका मर्जी। ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से इसको पहले निकल दिया है, क्योंकि ये अगर गिर जाएगा तो लेने में देने पड़ जाएगा, इसलिए इसको हमने खोल दिया है। ये जो रहा गाइस देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा पीछे करो भाई, इसमें इंडिकेटर का 4 वायर है, देख सकते हैं ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये लेफ्ट हैंड के लिए, ये राइट हैंड के लिए है। अब आपको कैसे इसको लगाने का, ये जो वायर है गाइस इसको काटना पड़ेगा। आपको इस वायर में नहीं लगाने का, ये दोनों वायर में लगाने का। ये देखो हमने कुछ इस प्रकार से इसको निकल दिया है, अब आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। ये देखो हमने इसमें वायर अटैच कर दिया है, अब इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर दिया है, देख सकते हैं। और दूसरा वाला को इसमें अटैच करना पड़ेगा, ये रहा, हमने इसमें कुछ इस तरह से, एक मिनट, कुछ इस प्रकार से इधर लगा दिया हमने, और इसी में इसको फिट कर दिया है। अब ये स्विच रहा गाइस, इसको हमने ऑन कर लिया है। अब देखो ये जल रहा है, देख सकते हैं। अब ये जो स्विच रहा गाइस, इसको ऑफ करने से ये देखो अब ये सिंगल में हो गया। अब कौन सा साइड में भी आप जला सकते हैं, अगर इसमें ये ऑन कर देगा, ये देखो चारों इंडिकेटर एक साथ हो गया। अब ये स्विच को अंदर से लेके आप किधर भी फिट कर सकते हैं, आपका मर्जी है। हमने इसको हैंडल में फिट करेंगे। इसी तरह टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहेगा गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।